आज हम बनाएंगे मक्खन से मुलायम बेसन की बर्फी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसे हम सिर्फ 3-4 चीज़ों से बना के तैयार कर लेंगे और ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनती है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हम फटाफट से कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं घी। 1/4 कप हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही घी मेल्ट होगा फिर हम इसमें बेसन डाल देते हैं 1 कप। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था, उसके बाद ऐड करें। बेसन को आप छान के ही इस्तेमाल करें, इससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और बेसन हमारा एकदम स्मूथ रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसे घी में मिलाया ना, तो ये इस तरह से कंसिस्टेंसी में आ गया है। आप इसे लगातार चलाते रहें और धीरे धीरे ये पतला होने लगेगा। पहले एकदम थिक रहेगा, जैसे जैसे आप चलाएंगे ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा। तो आपने हर एक स्टेज में देखा, ये पहले बहुत ज़्यादा थिक था, आपको घी अलग से और नहीं ऐड करना है इसमें। ये धीरे धीरे पतला होने लगेगा और बेसन जो है अच्छे से हमारा भुनने लगेगा। बेसन को आपको लो फ्लेम पर भूनना है, ऐसा ना रखें कि गैस को आपने मीडियम या हाई रखा है। हल्के आंच पे बेसन को अच्छे से भूने। और अभी आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली इस तरह से मेल्ट सा हो गया है, बिल्कुल पतला हो गया है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। अब आपको इसमें और चीज़ ऐड कर देनी है। जैसे हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, 3/4 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और हमारी जो बर्फी है ना वो ज़्यादा बन जाएगी। और साथ ही में डाल देते हैं यहाँ पे 1/2 कप जितनी पिसी हुई चीनी। मैंने चीनी कम ही ली है, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है उसमें भी हल्की सी स्वीटनेस होती है, तो चीनी आप उसी हिसाब से डालें। चीनी और मिल्क पाउडर को पहले आप मिला दें ताकि जो बेसन है वो जलने ना लगे। फिर उसके बाद हम इसमें घी, ये दूध डाल देते हैं 1/4 कप। तो 1/4 कप ही हमें दूध डालना है, इससे ज़्यादा दूध बिल्कुल नहीं डालें। दूध जैसे ही आप डालेंगे बेसन जो है एकदम से ऐसे पकने लगेगा, तो आप क्या करें, इसे लगातार चलाते रहें, हाथ को बिल्कुल ना रोकें और इसे स्मूथ कर लें। तो इस तरह से ये पक भी जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। तो धीरे धीरे बेसन जो है स्मूथ हो रहा है, एकदम लम्स फ्री हो रहा है। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स होकर घुल रही हैं। इस तरह से जो मिल्क पाउडर हमने डाला है वो भी पक जाएगा और चीनी भी पक जाएगी। और ये देखिए अभी ये थोड़ा ड्राई भी हो गया है और पैन छोड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा जो मिक्स है बर्फी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हमें इसे सेट करना होगा, तो बस इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, इसे हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए आप इस तरह का कंटेनर ले सकते हैं, स्क्वायर शेप का, जिससे हमारे बर्फी के जो पीसेस हैं वो अच्छे आएँ। फिर हम इसे अच्छे से लेवल कर देते हैं, ऊपर से स्मूथ कर देते हैं, ताकि ये एकदम बर्फी की शेप में आ जाए। स्मूथ करने के बाद आप इस पे अपने पसंद के ड्राई फ्रूट सजा सकते हैं या चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है। फिर हम इस पे ऊपर से मैंने यहाँ पे पिस्ता गार्निश कर दिया है, जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। पिस्ता गार्निश करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पिस्ता को जो है प्रेस कर देते हैं इसमें, ताकि ये इसमें सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता गार्निश कर दिया है, आप अपने पसंद से चांदी का वर्क लगाएं या फिर कोई भी आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। अब ये जो हमारी बर्फी है इसे हमें सेट करना होगा, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, उसके बाद हमारी जो बर्फी है वो सेट हो जाएगी। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं, आपको खुद ही दिख जाएगा कि सेट हो गई है। फिर आप इसे कट कर लें अपने मनचाहे पीसेस में। अब ये बर्फी बनी है तो इसे हम स्क्वायर शेप में ही काट लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, तो आप इसे ध्यान से काटें। ये देखिए, तो हमने इसे बर्फी के शेप में काट लिया है। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। तो इजीली ये इसमें से निकल भी गई है और आप देख सकते हैं बेसन की बर्फी हमारी तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा आसान बेसन की बर्फी हो ही नहीं सकती है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बन भी जल्दी जाती है। अगर आपको भी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।